ये वही महाराष्ट्र सरकार है और ये वही मुंबई पुलिस है जो कल तक रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट कर रही थी, रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा प्रदान कर रही थी, उसके आगे पीछे लाइन लगा के मुंबई पुलिस खड़ी थी रिया चक्रवर्ती के लिए, उसके लिए जो कि ड्रगी थी, उसके लिए जो ड्रग लेती थी और देती थी रिया चक्रवर्ती। आज जब कंगना रनौत ने मुंबई आने का फैसला किया तब उनके आने से पहले उनका स्वागत उनके ऑफिस को तोड़कर किया जाता है उसी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसी मुंबई पुलिस द्वारा और उसी महाराष्ट्र सरकार की बीएमसी के द्वारा कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि कंगना को पहले से ही धमकी दी जाती है कि तुम आकर दिखाओ मुंबई में। और देखिए जब वो आई तो उनका ऑफिस चूर चूर कर दिया, उसके ऑफिस के टुकड़े कर दिए, उसकी बिल्डिंग धराशाही कर दी, ऐसा हाल किया कंगना रनौत के ऑफिस का। कंगना रनौत ने भी आते ही पलटवार किया और कहा कि मेरा ऑफिस टूटा है, तुम्हारा कल को घमंड टूटेगा, ये कहना है कंगना रनौत का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है महाराष्ट्र में। जी हाँ, गुंडागर्दी साफ चल रही है, गुंडागर्दी का प्रदर्शन देखा जा सकता है मुंबई में। किस तरह से हम बताते हैं आपको, कंगना का ऑफिस तो तोड़ा गया लेकिन जो कंगना के सपोर्ट में कंगना के ऑफिस के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी थे उनको पुलिस ने लाठियां भांजी, जी हाँ लाठियों से मारा और उसके बाद उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाकर हिरासत में ले लिया। ये हो रहा है आपके महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र में ये हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ किसी चैनल जो चैनल रिपब्लिक चैनल जो है उसके रिपोर्टर्स को भी गिरफ्तार किया गया आज ही, जब वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम उनकी पनवेल में पहुंची थी, महाराष्ट्र के पनवेल में, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पर। ये चल रहा है महाराष्ट्र में। तो इस तरह से कानून की हत्या की जा रही है, इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है महाराष्ट्र में। कंगना रनौत ने क्या कहा आपको सुनाते हैं एक बार, आप भी सुनिए कंगना रनौत का वो बयान जो महाराष्ट्र सरकार के कान खड़े कर रहा है। ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ। अब सुनिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के बारे में और वहां के हालात के बारे में। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोक कर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। सिर्फ नेताओं ने ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं ने, सिंगर्स ने भी आवाज़ उठाई है कंगना रनौत के लिए। कंगना रनौत के लिए सिंगर सोनू निगम ने बोला है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि अब लगता है वहां सरकार तो काम नहीं कर रही, किसी काम की नहीं रह गई है महाराष्ट्र सरकार, तो वहां
राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, ये कहना है सोनू निगम का। तो ये हाल है आपके महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे, तो क्या कर दिया है आपने, एक हीरोइन को आपने किस तरह से बदला लिया है ये दुनिया देख रही है।